वनवास के दौरान प्रभु श्री राम ने निषाद राज से मित्रता की और माता शबरी के झूठे बेर खाकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया था। फिर अब जब प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है तो वंचित समाज का प्रतिनिधित्व कैसे वंचित रह सकता था। इसलिए तमाम संघर्षों के बाद आज जब अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो इस कार्य में पहली ईंट रखने का श्रेय वंचित समाज के कामेश्वर चौपाल को मिला। राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले बिहार के निवासी कामेश्वर चौपाल कहते हैं कि मंदिर आंदोलन के समय वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साधारण कार्यकर्ता थे। बावजूद इसके मंदिर शिलान्यास में उन्हें पहली ईंट रखने का अवसर मिला तो वे सनातन धर्म में व्याप्त समरसता के प्रतीक बनकर उभरे। वे कहते हैं कि भगवान राम के नाम पर समाज को बांटने की जो साजिश हो रही है उससे मैं दुखी हूँ। राम सबके हैं, राम जन जन के हैं, सनातन में जीव जीव में कण कण में राम का वास है। यदि सनातन में इतना ही भेदभाव होता तो मुझ जैसे लोगों को नींव की पहली ईंट रखने का अवसर नहीं मिलता। उस पल को याद करते हुए चौपाल बताते हैं कि संतों के आह्वान पर पूरे देश से लाखों कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचे थे, हजारों की संख्या में संत भी वहां थे। इसी बीच मंच से उनके नाम की घोषणा हुई। चौपाल कहते हैं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि इतने बड़े बड़े महापुरुषों और संतों के रहते हुए मंदिर की पहली ईंट रखने का सौभाग्य मुझे मिला। ये सनातन धर्म में ही संभव है।